दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे SBI पर्सनल लोन के विषय में बिल्कुल डिटेल में और काफ़ी बारीकी के साथ हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको SBI पर्सनल लोन कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अगर अप्लाई करने की बात कर लें तो अप्लाई करना तो काफ़ी आसान है, केवल आपको अपने डिटेल्स डाल करके सिंपल अप्लाई करना होता है। लेकिन इस चीज़ को जानने के पहले ये बहुत आवश्यक है कि आप अप्लाई करें तो आपको किन कंडीशन में लोन मिल सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिंपल जो है कि जाके अप्लाई करते हैं और आपको लोन मिले भी नहीं और बेकार में केवल निराशा ही आपके हाथ आता है। अब देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर तो कई तरह के अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसपे अलग अलग ट्रिक और आइडियाज दिए जाते हैं और अक्सर आप देखते हैं कि उन ट्रिक और आइडियाज के पीछे भागते हैं और फिर आपको सफलता मिलता भी नहीं और बेकार में आप फिर क्या करते हैं, बैंक को ब्लेम करते हैं कि बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, बैंक में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में सबसे पहले बता देता हूँ कि किन किन विषयों पर हम लोग बात करने वाले हैं। कई बार आपको लग सकता है कि आप SBI से पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आपको लोन वास्तव में क्यों नहीं मिलता है, आपको लगता है कि यार बैंक लोन देने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको लोन निश्चित ही देगा, 100% आपको लोन देगा, लेकिन किन कंडीशंस में देगा ये मैं आपको यहां बताने वाला हूं। दूसरी चीज, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो वहां पे दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक आपका होता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट। तो यहां पे मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि ये दोनों क्या होता है, किस में आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तीसरी चीज, अगर इंटरेस्ट रेट की हम बात कर लें तो यहां पे SBI की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 11.05% है। तो क्या इस इंटरेस्ट रेट पे जल्दी आप लोगों को लोन मिलता है, नहीं मिलता है। तो आखिर बैंक ये डिसाइड कैसे करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल सके, आप किस तरीके से लोन ले जिससे कि आपको फायदा हो सके। तो इन सभी विषयों पे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे आज लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर यहाँ बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल प्रमोशनल नहीं है, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सही फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि SBI की वेबसाइट पे क्या है और रियलिटी क्या है और आपको वास्तव में लोन कैसे मिल सकता है, इन्हीं विषयों पे आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जी दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ढेर सारी वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगर आप SBI से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो जैसे ही आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पे SBI के अलग अलग कैटेगरी के आपके पर्सनल लोन मिल जाते हैं, जिसमें पेंशन लोन भी है, आप अगर गवर्नमेंट फर्म में काम करते हैं उसके लिए अलग है, अगर आप इंडियन नेवी या आर्मी वगैरह में जॉब करते हैं उसके अलग एक सिस्टम है। तो अलग अलग आपको कई तरह की स्कीम्स आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए, चाहे आपका SBI में अकाउंट हो या ना हो, तो उस मामले में आपको SBI क्विक जो पर्सनल लोन का जो ऑप्शन है ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। भले ही आपका सैलरी अकाउंट SBI में है या नहीं है, किसी भी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट अगर है तो आपको उस ऑप्शन के थ्रू आपको लोन आसानी से मिल सकता है। सबसे पहले अगर मैं लोन अमाउंट की बात करूं, देखिए दोस्तों, लोन अमाउंट जो आपका है यहाँ पे 24,000 से लेके 20 लाख रुपीस तक का लोन आपको मिल सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या है, देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप सभी लोगों को 20 लाख रुपीस तक का लोन मिल सकता है, ये डिपेंड करता है आपके मंथली इनकम के ऊपर। बैंक डिसाइड कैसे करता है कि जो भी आपका मंथली इनकम है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आपके मंथली इनकम का, उसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे मान लो आपका मंथली जो आपका इनकम है वो केवल 15,000 की आपकी सैलरी है, तो वहाँ पे बैंक क्या करेगा, 24 से मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 3,60,000 तक का लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात कर ले तो यहाँ पे क्लियर वेबसाइट पे मेंशन है कि आपको 11.05% पे आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन ऐसा अक्सर देखेंगे तो आपके साथ या मेरे साथ जल्दी अक्सर ऐसा नहीं होता है कि इस इंटरेस्ट पे आपको लोन मिले, अक्सर ऐसा होता है कि आपको 14%, 15%, 16%, 17% तक पे आपको लोन यहाँ पे SBI ऑफर करता है। ऐसा क्यों होता है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड किस चीज़ पे होता है? देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो आपका डिसाइड होता है वो आपके प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है। बैंक का जो रूल है वो है, लेकिन आपके प्रोफाइल के ऊपर डिसाइड होता है कि वास्तव में आपका इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर कितना लग सकता है।
अब वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज, आप किस फॉर्म में, किस संस्था में काम कर रहे हैं, आपकी संस्था क्या रखी है। मान लो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, बैंक को ये लगता है कि आपको जो लोन बैंक दे रहा है आप पक्का उसको पे कर दोगे, उसमें रिस्क कम है, तो वहाँ पे आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम लगता है। आप छोटी मोटी संस्था में मान लो काम कर रहे हो, आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, आपका बैंक के साथ ट्रांजेक्शन आपका अच्छा नहीं है, तो वैसे में आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाया जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर लूँ तो देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट आपके दो तरह के होते हैं पर्सनल लोन के। सबसे पहला जो होता है वो होता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट, और दूसरा होता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। दोनों में डिफरेंट क्या होता है, इसके विषय में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। फ्लैट इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने बैंक से 1,00,000 रुपये का लोन अमाउंट लिया और आपको जो इंटरेस्ट रेट पे मिला यहाँ पे, वो मिला मान लो 12% पे। आपने केवल एक साल के लिए मान लो आपने लोन लिया, तो जो 12% जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा 1,00,000 के ऊपर आपको वहाँ पे ऐड करके और उसको पूरे एक साल यानी 12 मंथ्स में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, वो अमाउंट आपको पे करना होगा। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लें यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस पे, क्या होता है कि जब भी आप लोन का ईएमआई जब पे करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट आपका प्रिंसिपल का पे किया जाए आप करते हैं, साथ ही आप इंटरेस्ट भी उसके साथ आप पे करते हैं। तो जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है, वैसे वैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट भी आपके ऊपर कम होता जाता है। तो दोनों में फ़ायदा किस में है, आप सिंपल क्रोम पे जाके वहाँ पे फ्लैट इंटरेस्ट रेट वर्सेज रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट पे आप जाके वहाँ पे कैलकुलेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं और आपको जिस पे आसान लगे उस तरीके का लोन अगर आप लें तो ही आपको वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, रीपेमेंट की अगर हम बात कर लें, यानी कि इस लोन के लिए टेनर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 6 महीने से लेके 72 महीने यानी कि 6 साल तक के लोन आपको मिल सकता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, मान लो आप रिटायर होने वाले हो, आपका मान लो रिटायरमेंट केवल 3 साल के अंदर होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो टेनर वहाँ पे होगा 3 साल तक का ही मिल पाएगा। रिटायरमेंट होने के बाद का जो लोन पर्सनल लोन का स्कीम है, यहाँ पे SBI एक अलग तरह का पर्सनल लोन वहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगली पॉइंट है, अगर हम प्रोसेसिंग चार्ज के ऊपर हम बात कर लें, तो प्रोसेसिंग चार्ज जो आपका है, जो भी आपका लोन अमाउंट डिस्पर्स होने वाला है, उस लोन अमाउंट का 1.50% यानी कि 1.5% आपका प्रोसेसिंग चार्ज आपके ऊपर लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी SBI ने एक कंडीशन लगा के रखा हुआ है कि मिनिमम जो आपका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा वो आपको 1,000 आपको पे करना होगा, और मैक्सिमम जो आपका होगा वो 15,000 रुपीज़ तक आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज आपको पे करना पड़ सकता है। दोस्तों अगले चार्ज की हम बात कर ले पेनल्टी के ऊपर। मान लो किसी महीने आपने SBI का जो पर्सनल लोन लिया उसका EMI आपने पे नहीं किया, तो जो भी आपका ओवरड्यू बैलेंस है उसके ऊपर आपको 2% का इंटरेस्ट रेट आपका प्लस हो जाता है। यानी कि मान लो आपको 12% पे आपको यहाँ पे ईयरली पे आप लोन मिला हुआ है, तो वहाँ पे 2% आपका ओवरड्यू बैलेंस है उसके ऊपर आपके आपको प्लस वहाँ पे करना होता है। साथ ही कुछ और भी एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं, जैसे डिसऑनर चार्ज वगैरह है, वो भी आपको पे करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जो अगला चार्ज है उसको हम कह सकते फोरक्लोजर या प्री पेमेंट चार्ज। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने लोन ले लिया है 5 साल के लिए तो 5 साल में ही पे करने वाले, हो सकता है कि आपके पास 2 साल के अंदर पैसे आ जाए, तो आप वहाँ पे क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपका लोन का जो अमाउंट है पे करके और हम क्या कर लें यहाँ पे छुटकारा पा लें। देखिए दोस्तों, ऐसे में क्या है कि यहाँ पे जो प्री पेमेंट चार्ज है यहाँ पे आपको पे करना होगा 3%, यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपीज़ अगर आप पे करने जा रहे हैं तो उसका 3% आपको प्लस ऐड करके वहाँ पे आपको यहाँ पे प्री पेमेंट या फोर क्लोजर के रूप में आपको यहाँ पे करना हो। दोस्तों अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों आपका जो मंथली इनकम होना चाहिए वो 15,000 यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, आपका जो सर्विस है कम से कम 1 साल से लगातार कंटिन्यू होना चाहिए। अगर एज की बात कर ले तो आपका एज 21 से लेके 58 ईयर्स तक होना चाहिए। बैंक यहाँ पे जो आपका EMI जो बनाता है वो आपके मंथली इनकम का 50% तक का EMI आपको बनाता है। जैसे कि मान लो आपकी मंथली इनकम, आपका मंथली जो सैलरी है वो केवल 15,000 ही है, तो जो आपका EMI बनेगा हर मंथ का वो मैक्सिमम आपको 7,500 रुपीज़ तक का अमाउंट तक का ही
आपका EMI बनेगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको आपका ईयरली ITR आपको यहाँ पे देना हो सकता है। अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉर्म 16 होता है जिसमें TDS वगैरह कटता है, तो आप वो भी दे सकते हैं। 6 महीने का आपको बैंक का स्टेटमेंट देना होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेटेस्ट मंथ का आपको सैलरी स्लिप देना होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे परमानेंट और करंट दोनों ही एड्रेस का आपको प्रूफ भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस अगर बात कर लो यहाँ पे कि इसमें डिफरेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप ऑनलाइन जा कर के लोन अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल जीरो, आप बिल्कुल थोड़ा बहुत भी गलती ना करें, अपने एप्लीकेशन में ज़रा सा भी गलती ना करें, जो भी सही फैक्ट है वो बिल्कुल आप जो है कि वहाँ पे अप्लाई करें। जैसे कई लोग अलग अलग तरह के आपको स्कीम बताते हुए यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको बताएंगे कि देखिए भाई आप महीने में इतना इतना अमाउंट डालते रहिए कहीं ना कहीं से, तो उससे आपको लोन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के फालतू आइडियाज़ और ट्रिक्स जो है कि अक्सर काम नहीं करते हैं। कभी बाई चांस मान लो तुक्का लग गया तो लग गया, वरना हो सकता है कि लोन आपको जल्दी मिलेगा नहीं और बेकार में आप परेशान रहोगे और फिर बैंक को आप ब्लेम करोगे कि आपको लोन जल्दी मिलता है नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखिए, आपका मंथली इनकम बना रहे। सैलरी में क्या होता है कि कोई भी संस्था मान लो हो तो वो रजिस्टर्ड होता है, उसका क्या करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट से ही उस संस्था के अकाउंट से ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, सैलरी आपके आते हैं। तो जाहिर सी बात है बैंक आसानी से उसको चेक कर सकता है कि आपका सैलरी वास्तव में आपका पैसा जो हर मंथ का आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल गलत आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दें, सही सही इन्फॉर्मेशन दें। बैंक के साथ ट्रांजैक्शन अगर आप अच्छा रखते हैं तो भी आपको लोन के ऑफ़र हमेशा मिलते रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे भी कई बार आपको यहाँ पे SBI लोन का ऑफ़र देता रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के SBI क्विक पर्सनल लोन के विषय में यही सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों को शेयर करना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा इस वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।